टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि शाहनिवास में हुए जोरदार तमाशे के बाद डिंपल अचानक दौड़कर जाएगी और खुद को एक कमरे में बंद कर लेगी। तभी लोग घबरा जाएंगे और दरवाजा पीटने लगेंगे। सभी डिंपल से दरवाजा खोलने को कहेंगे। इन लोगों में तपिश भी होगा, जिसे वनराज फौरन वहां से जाने के लिए कहेगा, लेकिन तपिश कहेगा कि जब तक डिंपी बाहर नहीं आती तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। अनुपमा दोनों को बाहर जाने को कहेगी और खुद सिचुएशन को संभालेगी। वो दरवाजे के बाहर ही बैठकर डिंपल से बात करने की कोशिश करेगी। डिंपल अनुपमा को बताएगी कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो सब कुछ साइड में रखकर सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहती है। इस पर अनुपमा कहेगी कि तू बेटा सोचना अपने बारे में, तुझे अपने बारे में सोचने से कौन रोक रहा है। तब डिंपल अनुपमा को अपने दिल की बात बताएगी। परिवार के सभी लोग जब बाहर खड़े डिंपल के आने का इंतजार कर रहे होंगे, तब अनुपमा उसे लेकर बाहर आएगी। तपिश भी वहीं शादी के मंडप में खड़ा होगा और बाकी परिवार भी वहीं मौजूद रहेंगे। तब यहां पर डिंपल अपना फैसला सुनाएगी। माना जा रहा है कि डिंपल पूरे शाह परिवार और अपने ससुर के खिलाफ जाकर तपिश से शादी करने का फैसला लेगी, लेकिन इसके बाद वनराज और लीला क्या तमाशा करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बता दें कि वनराज शाह किसी भी सूरत में यह शादी नहीं होने देना चाहता और उसने इस शादी को तोड़ने के लिए लंबी प्लानिंग की है। वहीं तपिश, डिंपल, अनुपमा और अनुज कपाड़िया ने हमेशा ही चीज़ों को पॉजिटिव लिया है, और अब फैंस थ्योरीज की माने तो हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद इस कहानी का क्लाइमेक्स पॉजिटिव होगा। हालांकि वनराज शाह बीच में टांग जरूर अड़ाएगा। उस सिचुएशन को कैसे अनुपमा हैंडल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।